आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या सफल हुई थी और मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में से होकर धरती पर उतरी थी। गंगा दशहरा के दिन 10 के अंक का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करके या फिर गंगा जल से स्नान करके अगर भक्त 10 तरह के दान देते हैं तो उनके 10 तरह के पाप कष्ट दूर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं गंगा दशहरा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अगर आप गंगा जी में स्नान ना कर पाए तो क्या करें, दसवीं तिथि कब से कब तक रहेगी, इसके अलावा आप जानेंगे गंगा जी में स्नान करके समय या फिर घर पर ही गंगा जल से स्नान करते समय कौन से खास मंत्र का जाप करना चाहिए और इस दिन क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है। साथ ही आप सुनेंगे माँ गंगा की धरती पर अवतरण की बहुत ही पवित्र कथा। इस बार साल 2024 में 16 जून रविवार को दसवीं तिथि सुबह 2:03 से शुरू होगी। रविवार के दिन सारा दिन ही दसवीं तिथि रहेगी और 17 जून सोमवार को सुबह 4:04 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार रविवार के दिन ही गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 11:01 तक रहेंगे और बाद में चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। गंगा दशहरा अगर आपके लिए गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर अवश्य स्नान करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:54 तक रहेगा। गंगा दशहरा का दान करने के लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन गौ माता की पूजा गोधूली बेला में करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गोधूली बोला शाम 6:38 से 6:59 तक रहेगी। गोधूली बेला में यदि गौ माता की पूजा करके गौ माँ की परिक्रमा की जाए तो सभी देवी देवताओं संतुष्ट होकर ऐसे जातकों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। रविवार के दिन राहुकाल शाम 4:30 से 6:00 तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। वैसे तो गंगा जी में स्नान करना हमेशा ही शुभ माना गया है क्योंकि गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा जी में जाकर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने का खास महत्व है और इस दिन गंगा जी में 10 बार डुबकी लगाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा आप माँ गंगा के मंत्र का कम से कम 10 बार जाप कर सकते हैं। अगर आप गंगा स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आप इस दिन गंगा जी में खड़े होकर 10 बार गंगा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पाप तो कटते ही हैं, साथ ही व्यक्ति को धर्म अधर्म काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा जी का पूजन करने के बाद 10 चीज़ों का दान किया जाता है, लेकिन दान हमेशा ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। यह चीज़ें हैं जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन या फिर सुहाग की सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और सोने का दान। और इन सभी दानों में से जल और अन्न के दान को महादान माना जाता है। तो जल के रूप में आज के दिन आप प्यासे लोगों को पानी पिला सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं और छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, पशुओं के लिए पीने के लिए पानी भी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप सोने का दान ना कर पाएँ तो आज के दिन धार्मिक पुस्तकों का भी आप दान कर सकते हैं। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से 10 तरह के पाप कट जाते हैं और यह 10 तरह के पाप जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, दैहिक, वाणिक और मानसिक। जैसे कि किसी के भी वस्तु को बिना उससे पूछे बिना उसके इजाज़त के अपने पास रख लेना, निश्चित हिंसा करना, किसी भी प्रकार की हिंसा करना पर स्त्री संगम, इन 3 तरह के पापों को दैहिक पाप कहते हैं और वाणिक पाप कहते हैं। किसी को दिल दुखाना, किसी से झूठ बोलना, चुंगली करना, इसको वाणिक पाप कहते हैं।
और मानसिक पाप दूसरों के धन को लेने का विचार करना, मन में किसी का बुरा सोचना या फिर किसी को गलत काम करने के लिए प्रेरित करना, इस तरह के पाप मानसिक पाप होते हैं। तो यह सभी पाप गंगा जी में स्नान करने से धुल जाते हैं, इसलिए इन पापों को ना दोहराने के लिए और अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए आज के दिन भक्तों को गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही राजा भगीरथ के कठिन तपस्या करने के बाद माँ गंगा जी स्वर्ग लोक से धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है और ऐसा करने से पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो गंगा दशहरा के दिन आप पितरों के निमित्त जल का दर्पण, तिल से दर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि जरूर करें, अपने पितरों को जरूर याद करें और पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान करें। हो सके तो गंगा जी में स्नान जरूर करें। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो घर के ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए और माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हुए आप स्नान घर पर ही कर सकते हैं। घर के मंदिर में दीप जलाकर माँ गंगा जी की पूजा अर्चना करें। घर में मंदिर में घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और ओम नमो गंगाए विश्वरूपणे नारायणे नमो नमः इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि भोलेनाथ अपनी जटाओं में से माँ गंगा जी को धारण किए हुए हैं, इसलिए आज के दिन माँ गंगा जी की पूजा के साथ ही भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए और राजा भगदत्त का भी ध्यान इस दिन करनी चाहिए। आज के दिन गंगा जी में दीपदान, यदि गंगा जी में दीपदान करना संभव ना हो तो आसपास जहाँ भी नदी तालाब कुएँ आदि हो, पानी भरने के स्थान हो, पीने की पानी की जगह हो, उस जगह पर दीप दान करना चाहिए। एक दीपक रात में समय सुबह सूर्य देव के पहले उठकर आपको जलाना चाहिए। घर पर ही आप माँ गंगा जी का आवाहन करके दीप दान कर सकते हैं। इसके लिए घर पर ही आप एक बड़े से बर्तन में, जैसे परात या बड़ी सी थाली में गंगा जल और सदा जल मिलाकर रखें, उसमें थोड़े पुष्प डालें, लाल सफ़ेद पीले पुष्प आपको मिला लेना है, वो डालें, कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल डालें, अक्षत डालें, माँ गंगा जी का हाथ जोड़कर ध्यान करें और फिर आप आटे के दीपक या फिर जो दोने आते हैं, जिस तरह से हम गंगा जी में दीपदान करते हैं पत्ते के दोने, या फिर आप साधारण से मिट्टी के दीपक भी उस परात में या थाली में रखकर चला सकते हैं। माँ गंगा जी के नाम से यह दीपक अर्पित करने से भी माँ गंगा जी से स्नान करने का और दीपदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन घर में लहसुन प्याज या किसी भी प्रकार का अशुद्ध भोजन ना बने। घर के परिवारों के सदस्यों को नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए। घर पर कोई भी याचक आए, कोई भी आपके घर पर आए हैं तो उन्हें आप जल जरूर पिलाएं। जल आप चाहे मीठा शरबत के रूप में या फिर सादा जल भी पिला सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं गंगा जी का पौराणिक कथा। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज करते थे। उन्होंने सातों समुद्रों को जीतकर अपने राज का विस्तार किया। उनकी केसिनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। पहली रानी की एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा शगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा दौड़ाया। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, इससे महर्षि कपिल का समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले तो ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र
अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुण ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुण जी ने यह भी बताया, यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञमंडल पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन प्रयत्न तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ना ला पाए। सगर के वंश में अनेक राजा हुए, सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। भागीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने के लिए शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए तो बेहतर होगा। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर से भागीरथ ने घोर तपस्या की। बहुत ही कठोर तपस्या करने के बाद माँ गंगा जी आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा जी की ध्यान करके स्नान करके इस पवित्र कथा को पढ़ता है या सुनता है, माँ गंगा जी के उनके सारे पापों को क्षमा कर देती हैं और उन्हें पुण्य प्रदान करती हैं। उम्मीद है आज की यह कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय गंगे माता जरूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है कि निर्जला एकादशी कब है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जा कर के आप ज़रूर एक बार देखिएगा। आप सभी पर माँ गंगा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।